हेलो गाइस, बायो अमन के साथ एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, या डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको पूरा का पूरा समझ आएगा कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, है ना। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में क्या पाया जाता है, सबसे पहले अगर आप डिफरेंस लिखेंगे तो मैं आपको डिफरेंस की तरह बताऊंगा, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक सुगर या डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H10 और O4N, C5H10O4N, ठीक है। अब देखते हैं इधर राइबोस आरएनए की तरफ। आरएनए क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक सुगर या राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5 या N। इसको याद रखिए, याद करिए, C5H10O4N, C5H10O5N। आगे चले, अब देखते हैं डीएनए क्या है। डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित होता है। आप लोगों ने देखा होगा, डीएनए का एक वीडियो भी है, उसको अभी आप लोग देख लीजिएगा। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। और जो बच्चों आरएनए होता है ना, ऐसा होता है, एक कुंडलित होता है। डिफरेंस में ऐसे लिखना है, ठीक है। और बोर्ड में ना फोड़ के आना है, बहुत ढेर सारे नंबर हमको लेने हैं बोर्ड में इस बार, ठीक है। हारना नहीं है, रुकना नहीं, कुछ भी नहीं करना, और नंबर तो चीड़ के लेने हैं। आगे देखते हैं डीएनए क्या होता है, व्हाट इज डीएनए। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, है ना। आप लोग बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ, मतलब अनुवांशिकता के गुण को इस पार से उस पार, इस दुनिया से उस दुनिया ले जाता है, इस बच्चे से उस बच्चे तक अनुवांशिकता का गुण ले जाता है। और आरएनए यहीं पे क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। आगे चले, डीएनए जो होता है वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है। स्थायी का मतलब कोशिका में एक स्थान पर डीएनए रखा रहेगा, उसी जगह वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन जो आरएनए है ना, वो अस्थायी रहेगा। वो समझिए एक स्कूटर है, वो स्कूटर है, वो हर जगह चलता रहेगा, सेल में यहाँ पे वहाँ पे हर जगह वो स्कूटर लेके तेल भरा के घूमता रहेगा, वही होगा आरएनए। आगे चले, डीएनए जो है ना, डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, उनकी संख्या पता है कितनी होती है, मिलियंस ऑफ होती है। मतलब डीएनए में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या मिलियंस ऑफ होती है, लेकिन आरएनए में राइबोस न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या जो होती है वो 12,000 या उससे कम होती है। अब देखते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए बच्चों आपको दिख रहा है, डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्रोमोसोम में पाया जाता है, है ना। डीएनए न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में, इसके बाद प्लास्टिड व लवक में पाया जाता है, इसके बाद माइटोकांड्रिया में खुद का डीएनए होता है, लवक में पाया जाता है, है ना। अब बात करते हैं आरएनए कहाँ पाया जाता है, वेयर इज फाउंड इन आरएनए। आरएनए पाया जाता है न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, राइबोसोम में भी आरएनए पाया जाता है, इसके बाद न्यूक्लियस में, और सेल फ्लूइड मतलब कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। तो आप लोग समझ गए डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।